अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हफ्सा। क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हैं? किताबें। क्या स्कोप है पढ़ाई का? कोई भी नहीं है, छोड़ो। फिर क्यों पढ़ रही हैं? बस ये अम्मा अब्बा का प्रेशर और क्या। अच्छा, जो प्रेशर है। तो मेरा सवाल ये था कि रमजान में ऐसे कौन से काम है जो लड़कों को यूनिवर्सिटी में आके नहीं करने चाहिए? आना ही नहीं चाहिए, आने नहीं चाहिए? आना ही नहीं चाहिए। क्यों? मखलूक चलती फिरती बुरी लगती है मुझे तो ये ये वाली। मान के जो लड़के हैं बुरे लगते हैं। हाँ पर्सनली। अच्छा, जो और जो काम है ये तो चलो चलते फिरते आपको बुरे लगते हैं, लेकिन जो काम है वो कौन से बुरे लगते हैं? ताड़ते हैं बैठ के मुफ्त में। रमजान में वैसे बुरे नहीं लगते, ठीक है, इंटरव्यू में क्लियर कर दो, वैसे बुरे नहीं लगते, लेकिन ताड़ते हैं, दूर दूर बुरे लगते हैं। ताड़ते हैं? हाँ। तरसे हुए लगते हैं बिल्कुल। लड़के तो क्या करते हैं ऐसे, मतलब कैसे पता चल जाता है कि ये ताड़ते हैं? नहीं लड़के तो आप भी हैं, अब कितना का मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी ना, जो देख रही हैं लड़की हैं उन्हें भी पता चल जाए। किसी को नहीं समझ लगती, जैसे कोई तेज तेज होती है समझ जाती है ये मुझे देख रहा है, कोई होती है मासूम सी तो उसे नहीं पता चलता, तो उनके लिए। अब ये तो मैं आपको डेमो ही देख के दिखा सकती हूँ, ऐसे थोड़ी बता सकती हूँ मैं आपको बैठे बैठे। वो ये होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे होते हैं साइड से बैठ फॉलो भी के, करते हैं। फॉलो करते हो, डोरेमोन जैसी शक्ल बना के हजरे होते हैं साइड से। वो कहते हैं हम स्माइल पास करें तो लड़कियां इंप्रेस होती हैं, ऐसा कुछ है? बहुत बड़ी गलतफहमी है, पहले बता दें हम आप इससे इंप्रेस नहीं हो रहे थे, हम आपकी स्माइल पे हंस रहे होते हैं। अब यानी कि जोकर समझती हो लड़कों को? ऑफ कोर्स तो है, तो समझना क्या है। चलें, दिमाग ज्यादा लड़कियों के पास होते हैं या लड़कों के पास? अब इसमें मैं एग्री करूंगी, लड़कों के पास होता है, कैसे? तभी तो इतनी अच्छी क्रिएशन लड़कियों के पीछे आते हैं। तो लड़कियों के पास दिमाग क्यों नहीं होता, वो ऐसा क्या काम करती हैं जो पता चल रहा है? दिमाग नहीं होता तो आप जैसे लड़कों पे ट्रस्ट करती है ना। ट्रस्ट करती है मतलब? हाँ नहीं, समझ भी लगती है कि ताड़ रहे हैं फिर भी ट्रस्ट? हाँ तो वो बस हो जाती है, फंस जाती है ऐसे आप लोगों जैसे साथ। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप जैसे लड़कों के पास, मेरे ऊपर तो किसी ने नहीं किया। अगर मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट करती तो मैं उसी को टाइम दे रहा होता, मैं इधर ये इंटरव्यू तो ना कर रहा हूँ। सही बात है, जो इंटरव्यू करता है ना ये सोचने वाली बात है कि उसके पास कोई है नहीं अवेलेबल, क्योंकि वो फिर इसलिए ना वो टाइम अगर उस चीज में लगाए तो टाइम वेस्ट है। ये काम कर रहा हूँ चलो स्ट्रगलिंग होगा ना, तो ये मैं कह रहा हूँ आप कह रही है तो मेरे पास तो नहीं है। फिर अब आपका कसूर है, आपकी पर्सनैलिटी में भी होगा डिफॉल्ट, मुझे क्या पता। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है, चलो ज्यादा इसको नहीं उठाते, मेरी बुरी होगी। मैं ये पूछता हूँ और के अगर आपके पास पैसा आ जाता है लाइफ में, क्या करेंगे आप? खाऊंगी पैसा। हाँ मैं या मेरी पैसे से क्या खाएंगे? पास्ता। मिला पास्ता। ऐसे नहीं खा सकते, यानी कि पैसा मीन ये नहीं कि वो नॉर्मली भी खा सकते हैं, अभी आप नहीं खा? नहीं अभी हम बहुत मुश्किल, हम एक प्लेट मंगाते हैं ठीक है, और उसी को आधा करके खाएं, अगर एक पराठा भी हम उसको भी आधा करके खाते हैं। हॉस्टलाइज लाइफ है आप? नहीं घर में, तभी मतलब फकीरों घर में भी वाली आदत है। अच्छा तो दूसरा, उन्होंने हमें रेंट फ्री रखा, यही बहुत है। ये भी एहसान है, एहसान है उनका। अच्छा, और दूसरा ये कि अनलिमिटेड आ जाता है, ये तो खाने पीना हो गया, ये तो नॉर्मल हो जाता है, ये तो कभी भी ईद पे आ जाएंगे आप, ईद मिल जाएगी, ईद मिलती है? पहले ही मिलती थी, अब तो मुझे वो कहते रखा हुआ बहुत है, बस ये क्या पका देते हैं। बहुत जुलम हो रहा है, बहुत मैं सिफारिश करूंगा। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं मजाक नहीं कर रही जी, जी मुझे होपफुली मेरे घर वाले ना ही सुनेंगे। मैं दुख समझ सकता हूँ, मैं खुद इसी चीज से गुजर। अब बर्निंग फेज में ना इससे नहीं मिलती। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं कि अनलिमिटेड आ जाता है फिर क्या करेंगे, यानी कि एक ड्रीम होता है, विश होती है, ड्रीम तो यही पूरा होगा ना कि अनलिमिटेड आएंगे तो पूरा होगा, तो वो कौन सा अनलिमिटेड ख्वाब है आपका पैसों के बाद? मेरा ड्रीम ही नहीं है तेरे पैसों का, मुझे पता है मुझे मिलने ही नहीं है कभी। मैं अपने औकात जानती हूँ ना। नहीं, आप इमेजिन कर लें, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना इमेजिन नहीं करना। फिर भी आप तो चलो अपने तो खराब करेंगे, इतना अनलिमिटेड बताएं कि दूसरों के भी खराब हो जाए। हाँ मैं बेकरी बनाऊंगी, क्योंकि मैं बेकर हूँ। बेकर हैं जी आप? बेकरी में यार ये तो छोटा सा कारोबार हुआ, कोई बिजनेस है? आप देखो वो छोटा कारोबार, यहाँ बीआर भी खड़ी करके दिखाऊंगी। सीरियसली मैं तो आजकल हमारे माइंड में वो लड़कों के माइंड में अंबानी चल रहा है, वो देखी होगी ना इंडिया में शादी हुई है उसके बेटे की, सुने? जी जी सुने, जाहिर सी बात अंबानी अंबानी हर जगह। हाँ तो उसके बाद हम अगर बेकरी सुने तो फिर हमें छोटा लगा। आपको छोटा लगे तो आप केक ऑर्डर कर। अच्छा पहले मुझे ये बताएं, आज तक मुझे केक की रेसिपी भी आती है? मुझे खुद आपने माइक उठाया कहते नहीं, नहीं मुझे तो नहीं आती, मुझे तो नहीं, मुझे आती तो मैं माइक उठाता, केक ही बना के बेच रहा तो मैं भी बिजनेस करता ना, बिजनेस वो वाला नीचे आता नहीं कर रहा तो मैं यही काम कर रहा हूँ। भाई देखिए फूड एक ऐसा बिजनेस है जो लाइफ टाइम चलने वाला है, अंबानी की शादी खत्म हो जानी है ठीक है, ये फूड और केक्स बेचना कभी भी बंद नहीं होंगे, तो फूड एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत ऊपर भी ले जाता है ठीक है, और इसमें बहुत बरकत भी है, और कारोबार में वैसे अल्लाह ने कहा है बरकत है, तो भाई फूड का बिजनेस हमेशा चलने वाला है। और बेकरी मुझे ना बिजनेस माइंड वाली लग रही है, तो वो अंबानी का भी जिक्र हो गया, शादी का भी हो गया, तो सवाल ये कि जो नौजवान शादी के ख्वाब देख रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मेहनत मेहनत में क्या नहीं, वो ना शॉर्टकट तरीका ढूंढते कि रातों रात अमीर हो जाए, उस हिसाब से छोकरी मिलेगी। हाँ नौकरी होगी तो छोकरी होगी, नौकरी होगी तो छोकरी होगी, जैसी इनकी हरकत है नौकरी भी जाएगी छोकरी भी जाएगी। नहीं वो फिर नौकरी भी कैसी हो तो लड़कियां एक्सेप्ट कर लें? बस पैसा अच्छा तो ऐसी नौकरी हो, पैसा हो फिर
भाई इतना पैसा हो कि ट्रिप्स पे लेके जा सके साल में 3 से 4 दफा, 3 से 4 अच्छा दफा। और अच्छा खिला सके, मेरा मेरे दोस्त एक मोटिव है हम अच्छा खाना खिलाए। और जो बेकरी वाला पैसा होगा वो कहाँ जाएगा? वो मेरी जेब में नहीं, वो अपना पैसा सेव, अपना पैसा सेव। ऑफ कोर्स आप बंदा कौन होता है अभी पैसे मांगने वाला, आप भी तो कहीं इन्वेस्ट करेंगे ना, जब आप खुद कमा रही है फिर कमाने वाला क्यों? मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगी, मैं अपने एनिमल शेल्टर में इन्वेस्ट करूंगी। जानवर पालने का शौक बहुत, कौन से जानवर? मेरे पास कैट है पर्शियन, और पहले भी मैंने रखी है। इवन ये नहीं कि ब्रीड लवर, किसी भी तरह के, किसी भी तरह। लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए, कारोबार वाला, सीधी बात, कारोबार वाला नौकरी ना हो, सरकारी कारोबार हो और डिफरेंट तरीके से पैसा आता, ऐसी चाहिए। भले आप गोल समझ लग रहा है कि आप कोई बहुत गहरा सोच रही है, आपके इंटरव्यू से ना मैं बदनाम हो जाऊंगी लालची औरत के नाम से। बात नहीं, आपके मेरे इंटरव्यू से जो लड़के बेरोजगार बैठे हैं वो सीखेंगे कि हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे पीछे जाने। जो लड़के बेरोजगार बैठे ना वो बेउम्मीद भी हो जाएंगे, बेउम्मीद भी हो जाएंगे, होनी नहीं है, होनी नहीं है, वो तो फिर कुछ बुरा भी कर सकते। मुझे लगता है इसके बाद आपको ब्लॉक कर देंगे मेरी हरकतें देख के, मेरे मेरे ख्याल देख के। नहीं नहीं, लड़के आज का रमजान है ना, मौलवी बन गए, बहुत अच्छे हैं आजकल, रोजे रख रहे हैं, तो अच्छा अच्छा लिख के जाएंगे। चलें ठीक है, थैंक यू।